Hello candidates and welcome to Government Crackers. So I am here with the fifth session of this particular video where I'll be talking about the complete general science syllabus, which includes your physics, chemistry, and biology. So PCB stands for physics, chemistry, and biology. Okay? So again, I'll be telling all the topics that you need to cover for your CDS examination. Though these are all the compiled topics and very important with respect to CDS examination. So you all can subscribe to the YouTube channel of Government Crackers so that you can stay tuned to the classes that are going to happen on the channel as well as you can get other relevant updates. Okay? For any course material, any course guidance, you all can visit to www.governmentcrackers.com. You can avail the course, 500 plus video lectures, 250 plus PDFs, previous year papers included, 15 plus sets and uh, other एटजॉन दैट इज़ अवेलेबल इज फ्री न्यूज पेपर अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन मैगजीन वो कैबलरी एंड करंट अफेयर्स बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी लैंग्वेज ऑल राइट सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिक्स सेक्शन नाउ फिजिक्स सेक्शन हैज़ लॉट मेनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच वन नीड्स टू कवर तो मैं बता दे रही हूँ आपको टॉपिक वन इज आपको हीट से रिलेटेड जो है यू नीट टू स्टडी दैन लाइट्स आपका कंप्लीट ऑप्टिक्स जो है इसमें आ जाता है वेव ठीक है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फिनमिना एप्लीकेशन जो भी है नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी एंड पावर मैकेनिक्स इज अनदर पार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्योंकि डायमेंशन रिलेटेड अक्सर पूछला जाता है यूनिट uh, रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस एट टाइम्स पूछ लिए जाते हैं सो so फिजिक्स में से जो आपको uh, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है दिस इज ऑल दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी व्हिच नीड्स टू एक्चुअली गो थ्रू इन डिटेल Next is coming to the biology portion. So, in biology, it is basically your cell tissue and then classification and diversity of uh, living organisms, then various body uh, systems. Uh, the mistake of uh, living is somewhat missing, so it's living organism, not loving organism, and various body systems. Then, it is uh, photosynthesis. Photosynthesis, at times, the chemical equation of photosynthesis is also asked. Then, immunity. एंड बेसिक फूड साइंस लाइक विच बैक्टीरिया इज़ बीन इन्वॉल्व ठीक है तो ये आपका बायोलॉजी पोर्शन से uh, इसको कवर करना है नॉट इन वेरी मच डेप्थ बट एक ओवरऑल जस्ट एक ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए देन कमिंग टू केमिस्ट्री अगेन केमिस्ट्री क्योंकि एवरी डे लाइफ में भी इट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल सो इन केमिस्ट्री यू एक्चुअली नीड टू लिटिल यू नो गो डीप इन टू द कॉन्सेप्ट जहाँ पे यू नीड टू वर्क अपॉन

काफ़ी अच्छे हों स्ट्रॉग हों ठीक है एंड देन द क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन फॉर्म ऑफ वॉट वाई एंड हाउ जहाँ पे आप देखोगे कि यू आर गिवन एन नंबर ऑफ ऑप्शन ठीक है और उसमें से आपको एलिमिनेशन फॉर्म और यू नो बाय असर्शन आपको फाइंड आउट करना पड़ता है दैट व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर तो उस व्हाट व्हाई एंड हाउ में व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्ट में उसके कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ आपसे इट मे बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी सो यूजअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाउर ड आर वर्क प्रॉबर्ली आपके पास ऑप्शंस होंगे इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे बट आई एम टेलिंग यू फ्यू टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यू नो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एरोप्लेन्स जो प्रिंसिपल एंड वर्किंग इन्वॉल्व इन हेलीकॉप्टर्स नाइट विजन ग्लासेस देन एयर पोल्यूशन डिटेक्टर्स देन कुकिंग इन कुकिंग देन फोटो कापीज कला पेंटिंग देन दे कैन बी क्वेश्चन ऑन हाउ एनिमल्स आर एबल टू सी ऑन नाइट है द लाइट्स ऑफ द प्लानट्स स्टार्स देन इट इज़ अबाउट वेरियस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके किसी के स्पेसिफिक फीचर्स हो गए आपके देन केमिस्ट्री uh, में इफ़ आई टॉक अबाउट सो सिंथेटिक फेब्रिक्स हो गए टेक्सटाइल्स हो गए दैन दे आर आर टॉपिक्स ऑन वॉटर एंड ऑयल मेक्स एसिड रेन देन इफ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी अगेन सो देर आर वेरियस डिजीजेज इन्वॉल्व वेरियस बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन एवरी डे लाइफ ठीक है सोर्स ऑफ दिस डिजीज इज वॉट सॉट ऑफ इम्यूनिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपके वॉट वाई एंड हाउ में लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ओवरऑल अगर मैं समराइज इसको करूँ सो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आर आज फ्राम साइंस पोर्शन स्पेसिफिकली तो साइंस अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सो अगर मैं बोलूँ दस 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 के सेट में uh, जो है क्वेश्चन एट टाइम्स पूछे जाते हैं सो साइंस में कवर योर ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्वेश्चन

Preparing general science. So, the topics important from NCRT point of view, I already told you the other current affairs topic from environment. I'll be telling you in the further videos and further sessions. So, overall, if you go through NCRT, it is very much sufficient. And then, environment, I'll be also covering the important topics like any treaties, any meetings which have been signed there, all the organizations. Rela रेलिवेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द एन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री फॉर द वर्ल्ड तो ये जो इम्पोर्टेंट परस्पेक्टिव हैं ये आपको पता होना चाहिए उनके एनवायर्मेंट बॉडीज़ के बारे में एनमिक स्पीशीज बायोस्फेयर रिजर्व एनी करेंट लॉ विच इज बिन पासड बाय द गवर्नमेंट और बाय द वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेश्स एनी थिंग्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट सो यू नीड टू अपडेटेड ऑन दिस एन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पार्ट ऑल्सो ऑल राइट सो दिस वॉज ऑल फॉर जनरल साइंस एंड for any guidance you can visit the desired platforms links are already available so i'll see you in the next session where i'll be starting with the classes for geography section and uh, then we'll be further continuing and i'll be telling you the further schedules for that all right so i'll see you in the next session till then jai him